चैती छठ पूजा के अवसर पर घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। रविवार की दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और सोमवार की सुबह 4 बजे से 8 बजे तक गांधी मैदान से लेकर गाय घाट तक सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। बता दें, दीदारगंज से गाय घाट की ओर से कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कई अन्य मार्गों पर व्यवसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान अग्निशमन, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं वाली गाड़ियां चलेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि जरूरत पर आपको कहां संपर्क करना है। जिला नियंत्रण कक्ष पर आप जरूरी होने पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर होगा 0612-221-9234। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष का दूसरा नंबर है 0612-221-9810। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर पूर्णतः रोक है। बता दें, न्यू बाईपास से कर्मलीचक मोड़ तक पटना सिटी की ओर जाने वाली रोड तक व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक है। वहीं बाईपास थाना के सामने गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ होकर उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक है। दीदारगंज से कारगिल चौक जाने वाले रास्ते पर परिचालन पर गाड़ियों का रोक होगा। वहीं आपको बता दें, अशोक राजपथ तरफ जाने वाली रास्ते पर भी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक है। दीदारगंज चेक पोस्ट से पश्चिम अशोक राजपथ में जाने वाली रास्ते में भी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक है। इसी के साथ आशियाना मोड़ से दीघा की ओर गाड़ी नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।